हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपके गार्डनर दोस्त। आज आपसे इस बहुत ही खूबसूरत से प्लांट के बारे में बात करूंगी। इसको क्रिस्टीना प्लांट कहते हैं, इसे वाइल्ड सिनेमन भी कहते हैं। सिनेमन कहते हैं दालचीनी को, तो इसे वाइल्ड सिनेमन भी कहते हैं। और इसका बोटैनिकल नेम है शाइजियम कंपैनुलेटम। वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नाम है, शाइजियम भी कह सकते हैं वैसे हम। और क्रिस्टीना प्लांट या वाइल्ड सिनेमन नाम से इसको हम नर्सरी से ले सकते हैं। और ये जो प्लांट है, इसकी खूबसूरती ये है कि इसकी ये जो नई वाली जो लीव्स निकलती हैं, ये ऐसे रंग की रेड कलर की होती हैं। देखिए, इस तरह की रेड भी नहीं कह सकते, प्योर ब्राउन से कलर की, ऐसे जैसे मेहंदी का कलर आता है ना हाथ में, उस टाइप की होती हैं। और यही इसकी खूबसूरती है, ये बुश बनता है, काफ़ी लंबा तक चला जाता है ये पौधा। और अच्छा बुशी प्लांट है ये। और अगर इसको ट्रेन करें तो ये स्मॉल ट्री जैसे भी हम ग्रो कर सकते हैं, ज़्यादा ऊंचा होके स्मॉल ट्री जैसा भी लगता है ये प्लांट। और इसको लाइट रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसको सबसे अच्छा रहता है कि इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट, ब्राइट मतलब अच्छी थोड़ी सी गर्माइश भी हो जिसमें गर्मी के दिनों में। तो मैं आपको बताती हूँ इसको मैंने कहाँ रखा हुआ है। ये मेरा टॉप वाला टेरेस है, इस पर कोई नेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और इसको मैंने देखिए, अब वो जगह गंदी है जहाँ से मैंने इसको निकाला है, मिट्टी इकट्ठी हो रही है, वहाँ पर रखा हुआ है देखिए वो। तो यहाँ पर क्या है, इसको गर्माइश भी मिल जाती है और लाइट भी बहुत अच्छी मिलती है क्योंकि ये छत पे रखा हुआ है। लेकिन धूप से इसका बचाव हो जाता है, धूप जो है इसको बिल्कुल थोड़ी बहुत ही मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में ये अच्छा चल रहा है। तो आप भी देख लीजिए कि इसको ऐसी जगह आप रखें जहाँ बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत ज़्यादा गर्म आपका इलाका नहीं है, नॉर्मल सा है, तो फिर आप इसको सन में रख सकते हैं जहाँ इसको 3-4 घंटे की धूप मिल जाए। लेकिन जैसे हमारे यहाँ बहुत गर्मी है तो यहाँ पर आप इसको ऐसी जगह रखें कि ब्राइट लाइट पड़े इस पर, और जैसे गर्मी का मौसम है गर्माइश इसको मिले और बस धूप नहीं पड़ रही है या एक आधा थोड़ी सी पड़ जाती होगी धूप इस पर। बाकी जब सन बिल्कुल ऊपर होता है तब शायद एक आधा घंटे की धूप इसको मिलती होगी, बाकी धूप से बचा रहता है। तो ऐसी जगह इसको आप पौधे को रखें। और पानी जो है इसको मॉडरेट ही पसंद है, मतलब ऐसा जैसे आपको मैं बता दूं, ये ऐसी रखें इसकी मिट्टी, ये देखिए बस इस तरह से मिट्टी रखिए, ना सौगी हो, मतलब इसको ड्रायर साइड पर नहीं रखना है। ज़्यादा आप इसके थोड़ा सा ड्राई साइड ज़्यादा कर देंगे तो फिर पौधा ये सूख जाता है। सबसे ज़्यादा इस पौधे में कमी क्या है, वैसे ये बहुत अच्छा पौधा है, इजी टू ग्रो, ये रिपोटिंग में मर जाता है। इसकी रिपोटिंग बहुत ही ध्यान से करनी पड़ती है, मैं भी 2 बार लेके आई हूँ इसको। और ये इसका फीचर ही है, मतलब ये इसका एक लक्षण है इस पौधे का कि रिपोटिंग में अगर आपने ढिलाई करी तो ये रिपोटिंग में मर जाएगा। तो रिपोटिंग जब आप करते हैं तो इसके रूट बॉल को ज़्यादा हिलाएं नहीं, और ऐसे टाइम पे करें जैसे शाम के टाइम पे करें। और अब जैसे आगे जुलाई में बरसात का मौसम आएगा, आजकल बिल्कुल गर्मियों में ये पौधा ना लेके आएँ, मुझे लाए हुए बहुत टाइम हो गया है इसको, बहुत टाइम, सर्दियों से भी पहले का लाई हूँ या सर्दी शुरू होने पर लाई थी, काफ़ी टाइम हो गया मुझे ये। तो आप इसको अब लाना हो तो जुलाई में लाएं, या फिर जुलाई अगस्त सितंबर ऐसे लेके आएं इसको, गर्मियों में ना लेके आएं, क्योंकि लाएंगे आप नर्सरी से फिर आप रिपोर्ट करेंगे तो ये रिपोर्टिंग बर्दाश्त थोड़ा सा ज़्यादा फील करता है, जिसको कह सकते हैं, तो मरने के इसके चांसेस रहते हैं। और इसको ह्यूमिडिटी अच्छी पसंद है, जैसे मैंने आपको वो जो जगह दिखाई वो क्या है, वो टंकी के पास में है, छोटी सी अंदर घुस के जगह है। और जहाँ मैंने ये रखा है, इसके नीचे थोड़ी सी मिट्टी भी इकट्ठी हो गई थी, अभी आपने देखा होगा, क्योंकि वहाँ कोने में झाड़ू इतना नहीं लग पाता है, तो वहाँ पे इसको टंकी की ठंडक भी रहती है। तो इसको, और पास में दूसरे पौधे हैं, इनको मैं नहला देती हूँ, इसको शाम को आजकल मैं पानी ज़्यादा देती हूँ,
तो नहला देती हूँ, तो इसको ह्यूमिडिटी अपने चारों तरफ अच्छी रहे, मॉडरेट सी ह्यूमिडिटी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं लेकिन हाँ मॉडरेट सी, जैसे कि आप इसको रोज जब पानी दें तो अच्छी तरह नहला दें, और आगे आगे जब ज़्यादा गर्मी आएगी तो दो टाइम भी आप इसको नहला दें। इस तरह से इसको ज़्यादा ड्राई कंडीशन में रखेंगे ना तो ये सूखने लग जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। और मिट्टी इसकी वही वेरी वेल ड्रेन बनाए, एक हिस्सा मिट्टी ले लें, एक हिस्सा रिवर सैंड ले लें, और एक हिस्सा उसमें वर्मी कंपोस्ट या कोई भी खाद मिला दें, थोड़ी सी नीम खली मिला दें, थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर में, ये जो रेगुलर देखते हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन मैं हर बार हर वीडियो में इसलिए बताती हूँ कि कोई भी व्यूअर फर्स्ट टाइम जब वीडियो देखता है तो उसको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। मैं ये सोच के चलती हूँ कि हर वीडियो हर बंदा फर्स्ट टाइम देख रहा है, नए व्यूअर्स के लिए बना रही हूँ मैं, तो पुराने तो हैं ही अपनी फैमिली में, उनको तो पता ही है, तो उनके लिए थोड़ा सा रिपीट हो जाता है। तो ये दे ऐसे इसको जो है ऐसी मिट्टी तैयार कर लें और अपने पौधे को ऐसी जगह रखें जहाँ इसको ब्राइट लाइट मिले, एक आधा घंटे की धूप मिल जाए, लेकिन पानी की कमी ना होने दें, ह्यूमिडिटी रखें इसमें। ये इसमें फूल भी आते हैं गर्मी के मौसम में, इसमें फ्लावर भी आते हैं, मेरा पौधा शायद इस बार इसमें आ जाए फ्लावर, फ्लावर भी आते हैं, इसके फ्लावर होते हैं जैसे बॉटल ब्रश के फ्लावर्स होते हैं ना, उस तरह से बॉटल ब्रश कह लो या बॉटल ब्रश नहीं पाउडर पफ, मैं बॉटल ब्रश बोल जाती हूँ, कंफ्यूज ही होती हूँ इन दोनों का, पाउडर पफ जैसे इसके फ्लावर्स होते हैं, मतलब कि फ्लावर होता है गोल सा और उसमें जो है वो रियल पेटल्स नहीं होती है, जैसे पेटल्स होती हैं ना फ्लावर में वो नहीं होके लंबे लंबे स्ट्रैंड्स होते हैं उसके स्टेमन के, इसके पॉलन जो है वो एंथर मतलब स्टेमन्स ही एंथरलोब्स और फिलामेंट मिला के स्टेमन्स लंबे लंबे होते हैं खूब सारे, और उनका ये फ्लावर बनता है, उसी तरह का ये फ्लावर लगता है, वो भी खूबसूरत लगता है, लेकिन मेनली इसको उगाया जाता है इन पत्तियों के लिए। तो इस पौधे को आप तो थोड़ी थोड़ी ट्रिमिंग करते रहें, जब आपकी ये लाल लाल पत्तियाँ गायब होने लगें फिर से इसके साथ में ट्रिमिंग करते रहें, तो ट्रिमिंग जैसे ऊपर से इतनी इतनी ट्रिमिंग करते रहेंगे हम, इतनी इतनी ट्रिमिंग करते रहेंगे तो और ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी, तो और हर ब्रांच के टिप पे ऐसी जो है वो पत्तियाँ आएंगी। ये जो ट्रिमिंग है आप फरवरी में कर सकते हैं और या फिर सितंबर में कर सकते हैं, दो टाइम में इसकी ऐसी छोटी छोटी प्रूनिंग, इतनी इतनी प्रूनिंग करते रहें, इतनी इतनी प्रूनिंग ऊपर से कर दें तो और रेड रेड लीव्स आएंगी, और ये अपनी इन्हीं लीव्स के कारण ही उगाया जाता है। फर्टिलाइज़र की जब मैं बात करूँ तो इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए होता है, जैसे हमने एक बार तो सॉइल मिक्सचर में फर्टिलाइज़र डाल दिया, फिर इसमें फरवरी में अच्छा सा फर्टिलाइज़र डाल दें, जैसे 12 इंच का गमला तो 300-400 ग्राम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल दें आप फरवरी के महीने में एक बार, क्योंकि फिर समर में इसका ग्रोथ टाइम है और बड़ा पौधा हो जाएगा तो फ्लावर्स भी आएंगे इसमें, तो वो डाल दें, और उसके बाद एक बार थोड़ा सितंबर में, जैसे 400 ग्राम डालिए तो सितंबर में 100-150 ग्राम के करीब एक बार इसमें खाद डाल दें, और बाकी इसमें ऐसा कोई खाद डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर अपने बाकी पौधों को लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डाल रहे हैं तो महीने में एक बार थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दें तो बहुत अच्छा रहेगा, बाकी नहीं डालते हैं तो भी ऐसा कोई इशू नहीं है, आपने जब साल में दो बार खाद डाल दी तो ये उसी से अपना काम चला लेता है, और डाल दें लिक्विड फर्टिलाइज़र तो और भी अच्छा है। लिक्विड फर्टिलाइज़र में अगर आप केमिकल में जाना चाहें तो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच NPK 19-19-19 डाल के डिसॉल्व करके वो आप इसको महीने में एक बार दे सकते हैं, और ऑर्गेनिक में जाना चाहें तो ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लें, खाद को घोल लें 1-2 दिन पानी में और उसका पानी इसमें डाल दें। तो फ्रेंड्स ये था एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट, और बहुत खूबसूरत मेरे को तो ये इतना खूबसूरत लगता है ना ये प्लांट, बहुत ज़्यादा बड़ा, जितना जितना जैसे जैसे ये बड़ा होगा वैसे वैसे इसकी ये पत्तियाँ और खूबसूरत ज़्यादा आएंगी ना, बड़ा होगा जितना और खूबसूरत लगेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स बाय, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।